मालदीव्स और हमारे रिजॉर्ट का नाम है अमाया कुडारा, वो रहा हमारा रिजॉर्ट सामने। और अभी हम हैं बोट के डेक पे और सी प्लेन लेने के बाद हमें 15 मिनट की बोट की राइड मिली अपने रिजॉर्ट तक। अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, सी प्लेन से भी अमेजिंग था हमें अच्छा लगा। और बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि चारों तरफ ओशन, बहुत ही सुंदर पानी, आज ब्लू है पानी पानी। वेट पहले ये तो देख लो कि हम यहाँ पे पहुँचे कैसे। सो वी हैड एन अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट, हम पहली बार इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे थे तो ये दिल्ली ड्यूटी फ्री आता है जहाँ पे भाई साहब इतने महंगे महंगे ब्रांड्स हैं शनेल डियोर कि यहाँ पर ना आँख बंद करके चलने में ही भलाई है। और सुबह सुबह फ्लाइट लेने का ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपको इतना सुंदर सनराइज देखने को मिलता है जो अदरवाइज हम देखते नहीं हैं कभी क्योंकि हम इतनी जल्दी उठते ही नहीं हैं। हमारी 3 घंटे 45 मिनट की फ्लाइट थी और बादलों को चीरते हुए हम पहुंच गए पैराडाइज में। वेलकम टू मालदीव्स गाइस। एयरपोर्ट पे आने के बाद आप यहाँ से लोकल सिम कार्ड ले सकते हैं। ओरिडू और धिरागू काफ़ी अच्छे सर्विस प्रोवाइडर हैं यहाँ पे। हमने तो नहीं लिया था क्योंकि हम एक प्राइवेट आइलैंड रिजॉर्ट पे रुके थे जहाँ पे हर जगह वाईफाई बहुत ही अच्छा चलता है। उसके बाद हम एक शेयरिंग एसी बस में बैठ के उस एयरपोर्ट पे पहुंचे जहां से सी प्लेन्स चलते हैं जो कि ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स दूर था विलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। और हमने 2-3 घंटा वेट किया वहां पे क्योंकि सी प्लेन्स के भी पर्टिकुलर टाइमिंग्स होते हैं। नाउ इट्स द टाइम टू गो, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर द सी प्लेन। सी प्लेन की ये खासियत होती है कि ये पानी से ही टेक ऑफ करता है और पानी में ही लैंड करता है। नज़ारे तो आपको बहुत मस्त मस्त दिखेंगे नो डाउट, पर ये सी प्लेन ना पूरे टाइम बहुत ही इरिटेटिंग और तेज आवाज करता है, स्पेशली लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पे कुछ इस तरीके से। बट व्यूज विल बी अमेजिंग एंड इट विल गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर यू। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप कॉटन अपने साथ लेके जाइए ताकि आप अपने कानों में लगा सकें। और ये गाइस हमारी फोर्थ राइड टुक टुक से अपने बिला की तरफ जाते हुए। पहली राइड थी हमारी फ्लाइट में, दूसरी थी सी प्लेन में, तीसरी थी बोट, फोर्थ है ये टुक टुक की सवारी इन द वाटरवे, सी यू एट द वाटरवे, बाय। Let's move into our water villa. Oh guys, ये है हमारा रूम।
आप देख सकते हैं कितना प्रिटी रूम है ये। ये है बेड, बेडिंग कितनी प्यारी है, और टीवी है यहाँ पे, कॉफी मशीन, केटल, सब कुछ मिलेगा आपको। और यहाँ पे है लाइफ जैकेट, इनको पहन के आप स्विम कर सकते हो, जिसको स्विमिंग नहीं आती जैसे हम लोगों को। और यहाँ पे है एक मिनी बार जिसमें काफ़ी सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हैं और हार्ड ड्रिंक्स भी हैं, बट ये सारी चार्जेबल हैं और इनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हाई हैं। दिस इज़ हाउ द रूम लुक्स लाइक। बालकनी नहीं, पहले हम वॉशरूम दिखाते हैं, लास्ट में दिखाएंगे। अब मैं आपको वॉशरूम दिखाती हूँ, बहुत ही प्रिटी वॉशरूम है। ये है जकूजी और ये दो मिरर्स दिए गए हैं, यहाँ पे आप तैयार हो सकते हैं। ड्रायर भी है, देयर इज वन कबर्ड जिसमें बाथरोब्स हैं, और ये पूरी किट है, इसमें लूफा है, शावर कैप, शेविंग क्रीम, जो भी आपको ज़रूरत होती है रोज़ में वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे। ये एक और कबर्ड है जिसमें हमने अपना सामान बुरी तरीके से भरा हुआ है। ये दो कबर्ड्स और हैं, यहाँ पे लॉकर है, प्रेस है और वेइंग मशीन है, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा बुफे है कि आप खा खा के अपना वेट गेन कर सकते हैं, तो आप इसमें अपना वेट को मेजर कर सकते हैं। ये है शार एरिया, इसमें है कम्बोर्ड, टॉयलेट सीट। अब हम जाते हैं रूम के बेस्ट पार्ट पे, जो कि है बालकनी, जहां से बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है। ये हमारा प्राइवेट पूल, दैट वन। मालदीव्स एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको लाइफ में एक बार तो ज़रूर आना चाहिए। मतलब पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है ना, और पानी के डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं ब्लू के, आई मीन इट्स जस्ट ब्यूटीफुल, इट्स डेफिनेटली अ पैराडाइज। और ये रास्ता है, अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप यहाँ से जाके स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर पत्थरों तक, वहाँ तक, सिर्फ वहाँ तक। Thank you.
लाइव म्यूजिक एंजॉय करने के बाद हमने डिनर किया. दिस इज द पार्ट वन ऑफ द मालदीव सीरीज. स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट टू. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.